इसको देख कैसे बैठा वाली चली गई अली को देखने कैसे बैठा क्या हाल है ब्रो आज सैटरडे है और मैं और मेरा दोस्त मुस्तफा बारी जा रहे हैं मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त हबीब के घर पे डिनर के लिए जहाँ पर मेरे काफी बाकी यूनिवर्सिटी के दोस्त भी हैं और हमारा वेट कर रहे हैं इंक्लूडिंग अली सलीम जिनको सस्ती कॉमेडी करने का बचपन से बहुत शौक है क्या ये देख क्या है क्या है ये बाजू इब्राहिम जिनका माशाल्लाह अब एक बच्चा है और यूनिवर्सिटी कोई सदियों पुरानी बात लगती है अनम जो ये देखकर बहुत अपसेट होंगी कि मैंने ये शॉर्ट इस्तेमाल कर लिया इस वीडियो के अंदर अनम मैं तुम्हारी खाते बहुत एक वियर्ड सा क्लोजअप बनाऊंगा एंड ऑल्सो अदर्स जिनकी मेरे पास इतनी फुटेज नहीं थी कि मैं उनको अपना अलग से इंट्रो दे पाऊं तो आई एम वेरी सॉरी बट आई स्टिल लव यू डोंट वरी आई लव यू लेकिन लव से ज्यादा मुझे इस वक्त तप चढ़ी हुई है क्योंकि बारी मनहूस ने मुझे कहा था कि सब डिनर टेबल पे बैठ गए ऑलरेडी जल्दी तैयार होकर बाहर आओ तुमने मुझसे झूठ बोला बात ये नहीं होती कि झूठ बोला सर तुमने मुझसे बोला कि यहाँ पे सब डिनर टेबल पे बैठे हैं और यहाँ पे तो कोई भी नहीं बैठा व्हाई डिड यू डू दिस ब्रो डिनर टेबल पे कोई बैठता भी नहीं है वो जोक था वैसे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि अगर अभी खाना लगा हुआ नहीं है हम इतने बड़े भूखे नहीं है सीन ऑन चलेंगे चिलिंग ही कर रहे हैं सारे मजा आ रहा है थोड़ी गप्पे शप्पे मार लेते हैं हाँ भाई क्या हाल है सब ठीक है काम वाम गुड है हाँ यार जिंदगी बहुत मुश्किल हुई है लाइफ इज अ रेस थोड़ी फनी फनी वीडियोस देख लेते हैं ये रोक क्यों नहीं है इसका कोई एक दूसरे को थोड़ा तंग कर लेते हैं आप बारी को बेस्ट डिस्क्राइब कैसे करेंगे गोला और खाने से पहले थोड़े स्नैक्स वगैरह फोड़ लें अरे बारी पकड़ा गया असूलन आज बारी की डाइट शुरू होनी है लेकिन हम सबको पूरा भरोसा है कि वो भाईजान नहीं करेंगे शुरू आज हाँ तो आज की क्लिप डिलीट हो जाएगी छह रोटियां बारी में लगा रहा हूं छह रोटियां लगा रहे हो रोटियां कितनी खाएगा छह तीन लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई डोंट ब्लेम हिम जब आपके सामने नेक्स्ट लेवल बिरयानी और प्योर दिल्ली वाला स्टाइल निहारी हो तो बंदा कर भी क्या सकता है जवानी के दिन है यार खाओ यार खा आराम से खाओ यार वाह क्या निहारी है मतलब मजा आ गया यार कमाल 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 और निहारी के बाद रसगुल्ले और रसमलाई भाई मतलब दिल्ली वालों का नाम तो आज फुल रोशन किया जा रहा है चलो भाई अब तो हर तरह का खाना फोड़ लिया अब जरा मेरा दुनिया में सबसे फेवरेट गेम खेला जाए अगर तुमने हरवाया ना ली बता रहा हूँ तेरी मेरी दोस्ती खत्म तू अपने रास्ते में अपने रास्ते हार ही नहीं सकते हम हार ही नहीं सकते हम लोग तुमने एक्टिंग करी किसी से जो वो बताएंगे किस चीज की तुम क्या बहुत सारे रोल्स कर सकते हो बड़ा क्या मैकबेथ कर रहा है यहाँ पे किस चीज की अली उर्दू है चार वर्ड है ठीक है शुरू करो पहला वर्ड है फ्राइडे बत्ती बत्ती बड़ा आसान था मैंने कहा था बड़ा आसान है तुम्हारा वक्त हो गया ये वो सुन लेते ना लोग यार क्रेजी क्रेजी सैटरडे नाइट्स यार मतलब बहुत सीन ऑन था यार आज मतलब हर तरह की हमने चिलिंग कर ली सस्ती कॉमेडी भी हो गई डीप डीप डिस्कशंस भी हो गई बारी ने व्लॉगिंग की कोशिश भी कर ली और मैं मतलब मैं आंख नहीं मिलाए जा रहा है इससे शर्म आ रही है ट्राई करो चलो भाई अब सबके जाने का टाइम है अल्लाह हाफिज अल्लाह आपको भी खुश रखे हाँ गुड सीन बहुत मजा आया ब्रो हाँ सीन ऑन था यार गुड सीन हाँ ब्रो जल्दी मिलते हैं अब यार मतलब तुझे इतने अरसे बाद दिखा यार आज मैंने कसम से बहुत मजा आया है इस तरह की सैटरडे नाइट मेरी साल के 365 दिनों में से सिर्फ एक दिन होती है जिस तरह की आज थी जिन अमेजिंग सैटरडे नाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है जो ऑलमोस्ट हर सैटरडे नाइट होती है आज भी हुई थी इस डिनर के बाद दो दोस्त दो चाय एक गाड़ी और दुनिया जहां की सारी फजूल बातों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली फजूल बातें मेहमान जो चूरू चूरू चा क्या
यार बेसिकली वो याद है उल्टा सीधा शो आता था SNL नहीं है SNL उस तरह का बहुत ही देसी वर्जन आता था पाकिस्तानी उल्टा सीधा नहीं यार स्केच कॉमेडी करते थे बहुत आला ठीक है उसमें एक सेक्शन था जब वो एड्स बनाते थे एड्स अलग अलग चीजों के तो उसमें ना एक सिंधी चाय होती है उसकी टैगलाइन होती है मेहमान जो चूरू चूरू चा तख लिया यहाँ पे होता है जब भी दो कैमरा आते हैं